वेलकम टू ईगल इंडस्ट्रीज। ईगल इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बैंगल एक्सपांडर मशीन का वीडियो, जो बैंगल्स को बड़ी करने के लिए हम यूज करेंगे इसको। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये बैंगल्स है, रेगुलर जो बैंगल अपना राउंड बैंगल्स जो है उसका साइज, अभी अंदर से हम साइज को देखेंगे तो 56.90 mm का साइज दिख रहा है। अभी हम उसको साइजिंग को बैंगल्स को एक्सपांड करेंगे, बड़ा करेंगे। सबसे पहले बैंगल्स को ऊपर यहाँ पर रख देना है और उसका जो घूम ये जो पॉइंटेड है वो उसको जीरो पे रखना है। ओके, बाद में ये आपको एक्सपांडर करने के लिए घुमाना है, इसको घुमाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऊपर एक जीरो से लेके चार तक की काउंटिंग है, तो ये कितना बढ़ेगा इसका आपको अनुमान लगाने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट लगा रखा है। फाउंडेशन करना पड़ेगा, इसको दो तीन बार आपको ऐसे करना है। ज्यादा अगर एक बार में ज्यादा करेंगे तो बैंगल्स को टूटने का प्रॉब्लम आ सकता है आपको, तो इसको दो तीन बार करके एकदम स्मूथली पीछे रिवर्स करके बाद में बैंगल्स को निकाल, फिर से जो जीरो पे अपना जो पॉइंटर था वो जीरो पे आ जाना चाहिए, तो एकदम बंद हो जाएगा। ये एक्सपांडर है, ये जो स्ट्रिप है वो एक्सपांड करने के लिए, वो जैसे ही आप खोलेंगे इसको ऐसे तो ये एक्सपांड होके खुलेगी, और इसको जैसे ही बंद कर देंगे तो वो स्ट्रिप एक्सपांड एकदम रेगुलर बेस पे आ जाएगा और आप उसको बैंगल्स को निकाल सकते हो। और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक होल दे रखा है, जो आपको टेबल के ऊपर फाउंड करके ये टेबल के ऊपर लगा देना है, जैसे कि आपको इसको खोलने पैक करने में एकदम इजी रहेगा एक्सपांड को खोलने में, क्योंकि अगर ऐसे ही बेस पे रहेगा तो ये थोड़ा ऐसे हिल सकता है। आप इसको जैसे ही खोलेंगे ना तो ये मशीन ये इसको ऐसे हिल सकता है, तो आपको इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर फाउंडर कर देना है। टेबल के ऊपर आप लॉक कर दीजिए, ये बोल्ट या जैसे खिल्ला रहता है वहां पर आप उसको यहाँ पर लगा के टेबल के ऊपर फाउंड कर दीजिए। बाद में ये अगर वापस जीरो पे आ जाएगा तो आप इसको बैंगल्स को बाहर निकाल लीजिए। तो ये अभी चूड़ी निकाला, हम उसको साइज को फिर से वर्नियर से हम साइज को देखेंगे कि ये कितना बड़ा हुआ है। पहले इसका साइज 56.90 था, जो अभी बढ़ के 57.52 हो गया है, आप देख सकते हो। अगर इसे भी और करना है तो वापस वही प्रोसेस करने से, रीप्रोसेस करने से ये चूड़ी बढ़ सकती है। थैंक यू वेरी मच।